देश नहीं झुकने देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। क्या गुनाह क्या है समीर वानखेड़े का? सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं, क्या गुनाह किया समीर वानखेड़े? पिता हिंदू, ये गुनाह है उनका। मां मुस्लिम है, ये उनका गुनाह है। दूसरी शादी कर ली, ये उनका गुनाह है। पहली शादी मुस्लिम लड़की से की, ये उनका गुनाह है। बिना कुछ छिपाए शादी का निकाहनामा बनवाया, ये उनका गुनाह है क्या? या फिर महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर मंत्री नवाब मलिक के दामाद को ड्रग्स केस में पकड़ा, ये उनका गुनाह? या समीर वानखेड़े का गुनाह ड्रग्स केस की जांच है? समीर वानखेड़े वाकई भ्रष्ट हैं या उनकी ईमानदारी से कुछ लोगों को कष्ट है? सीधा सवाल आज हम पूछ रहे हैं। सवाल चुप सकता है, आज ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि समीर वानखेड़े के खिलाफ अचानक से आरोपों का अंबार कैसे लग गया? अचानक से तो कब से ड्यूटी कर रहे हैं? सालों साल ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे इन्होंने ड्रग्स के कारोबार पर हाथ डाला, अचानक से आरोपों का अंबार लग गया। क्या इसे महज इत्तेफाक माना जा सकता है? ध्यान से सुनिएगा कि 22 अक्टूबर को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने धमकी दी कि एक साल में समीर की नौकरी जाएगी, ये जेल जाएगा। ये धमकी दी गई थी और उसके कुछ दिन बाद नवाब मलिक की धमकी के बाद समीर वानखेड़े पर सीरियल आरोप लगने लगे, खुलासे होने लगे, गवाह सामने आने लगे। कभी करोड़ों की रिश्वत के आरोप, कभी कहा गया कि वो मुसलमान है, कभी आरोप लगा कि समीर ने फर्जी ढंग से दलित कोटे से नौकरी ले ली, कभी जाति प्रमाण पत्र, कभी चिट्ठी, कभी क्या कभी क्या। ये सब कुछ संयोग है क्या? इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ, मुझे बताया जा रहा है, क्रांति वानखेड़े वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई है जो कि समीर वानखेड़े की पत्नी है वो, और साथ ही मेरे साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, दोनों मेरे साथ है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैनल है मेरे साथ, उज्ज्वल निकम साहब भी हैं। लेकिन पहले मैं क्रांति जी आप ही से शुरू कर रहा हूं। बीजेपी कह रही है, आपका भी पक्ष मैं जानना चाहूंगा, यही गुनाह कि आपने नवाब मलिक, आपके पति ने नवाब मलिक के जो दामाद है उनको पकड़ा, इसीलिए निशाने पर वो? जी, यही उनकी गलती थी और इसकी वजह से ही पूरी मशीनरी एक जो लगी पड़ी है उनके पीछे, उनको उनकी कुर्सी से हटाने की कोशिश करने में, ये बहुत ही शर्मिंदा करने जैसा है अपने पूरे देश को। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर अगर अपनी अपना काम करने की कोशिश कर रहा है तो उसे करने दीजिए। और एंड सेकेंडली, अगर आज ये सक्सेसफुल हो गए तो कल को कोई भी ऑफिसर ऐसा कुछ करने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं किसी भी बड़े आदमी को पकड़ूंगा तो मेरे साथ यही होना है जो समीर वानखेड़े के साथ होगा। तो कोई क्यों मेहनत करे? यही अच्छा है कि सब लोग ही पैसे खाए, सब लोग करप्ट बने, सब लोग अपना कारोबार अच्छे से चलने दे, दूसरे लोगों का भी चलने दे। और मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं? ड्रग्स पकड़ने का काम कर रहे हैं। तो इससे किसके पेट में दुख रहा है, किसको तकलीफ हो रही है? उनसे कुर्सी उनसे कुर्सी छीनने की बात कर रहे हैं आप? उनका उनका जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर आप लांछन लगा रहे हैं? हर चीज हम लोग ने प्रूव की है मीडिया के सामने, हर चीज हम लोग सर्टिफिकेट पेश कर चुके हैं। इससे ज्यादा और प्रूफ हम लोग क्या दें? क्रांति जी, कभी जाति प्रमाण पत्र, कभी 18 करोड़, 8 करोड़, अब ये निकाहनामा भी आ गया कि मुसलमान है आपके पति। एक सवाल, हिम्मत टूटती है कभी कभी कि गलत जगह हाथ डाल दिया भाई? हिम्मत टूटती है कभी कभी? मुझे ऐसा लगता है कि हम सब में से अगर किसी का हौसला टूटता है तो फिर भी कोई चेहरे पे आने नहीं देता। क्योंकि हर किसी को हमारे घर में पता है कि अगर सामने वाला इंसान अगर टूटता हुआ दिख रहा है तो उसको पता है कि ये दूसरे इंसान का भी हौसला तोड़ सकता है। इसलिए हम सब डटे हैं, एक दूसरे के साथ हैं, समीर वानखेड़े के साथ हैं। यस, हमको टारगेट किया जाता है और हम इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं क्योंकि हमारा वो क्लास ही नहीं है ना कि किसको पर्सनली टारगेट करे, किसी की बीवी बच्चों के फोटोज इंटरनेट पे दे। वैसी परवरिश ही हम लोगों की नहीं है। तो इसके लिए हम अचंभित हो जाते हैं जब कोई इतना क्लासलेस बिहेव करता है। दिस इज अ टोटल आउटराइट वेरी वेरी सैड बिहेवियर एंड आई टोटली कंडेम इट एंड आई फील एक्सट्रीमली अशेम्ड दैट एवरीबडी एल्स Who are equally at powerful positions are sitting and watching the circus. आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हैं रामदास अठावले जी, वो भी आपको सुन रहे हैं। मैं एक सवाल उनसे ले रहा हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। रामदास अठावले, सही हो रहा है समीर वानखेड़े के साथ या गलत हो रहा है? आपका पक्ष, आप केंद्रीय मंत्री हैं, सेंट्रल मिनिस्टर है, आपका पक्ष बहुत जरूरी है जानना। सही हो रहा है, गलत हो रहा है समीर वानखेड़े और उनके परिवार के साथ?
हाँ मतलब समीर वानखेड़े के साथ गलत हो रहा है। समीर वानखेड़े का बदला लेने का काम नवाब मलिक कर रहे हैं, क्योंकि उनके जवाई को मतलब ड्रग के केस में समीर वानखेड़े ने अरेस्ट कर दिया था, और इसीलिए उसका गुस्सा उतारने के लिए आर्यन को इसलिए पकड़ा है कि भाई आर्यन के पास ड्रग मिला था, वहां मतलब ड्रग लेने वाले लोग वहां में मिले थे, और 6-7 बार कोर्ट में जाने के बाद भी उनको जमानत नहीं मिल रही है। इसका मतलब यह है कि समीर वानखेड़े ने कार्रवाई सही की है, और गलत कार्रवाई करने का विषय तो नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने का विषय नहीं है। हमारी मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री हमारा मतलब हर्ट है, हमारा पूरे देश भर की जो फिल्में वहां बनती है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि समीर वानखेड़े का बदला लेने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम मतलब समीर वानखेड़े को झुकने नहीं देंगे। समीर वानखेड़े के पीछे रिपब्लिकन पार्टी पूरी खड़ी रहेगी, और समीर वानखेड़े तो दलित समाज के हैं, इसीलिए नवाब मलिक उनके पीछे पड़े हैं। महाविकास आघाड़ी की सरकार उनके अटावले जी, ये आप नया एंगल दे रहे हैं। मैं ये एक सवाल और मैं रामदास अठावले से फिर क्रांति में आपके पास आऊंगा, क्योंकि रामदास अठावले आप नया एंगल दे रहे हैं कि चूंकि वो दलित समाज से हैं, गरीब दलित परिवार से हैं, वो यहां तक पहुंचे इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि वो दलित परिवार से हैं, ये नहीं हजम हो रहा है नवाब मलिक या कुछ बड़े लोगों को, आप ये कह रहे हैं रामदास अठावले? दलित समाज के है, उनके पिताजी का नाम ज्ञानेश्वर वानखेड़े है, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उनके पिताजी का नाम ददाऊद है, लेकिन ददाऊद तो किधर उधर पाकिस्तान में है ददाऊद, और ये दाऊद इधर कैसे आ सकता है? लेकिन ये बात सही है कि भाई उनके फादर के जो शादी थी वो मुस्लिम कम्युनिटी के औरत के साथ हुई थी, तो उनको जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश हो रही है। और समीर वानखेड़े बहुत ही एक्टिव अधिकारी है, ऑफिसर है, दलित समाज से पढ़ाई करके वो इतने ऊंचे पद पर पहुंचे है, और उनका सपोर्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं और मेरी पार्टी केंद्रीय मंत्री। फिर सरकार कुछ करे भाई, सीधी सी बात है, आप लोग कह रहे हैं गलत हो रहा है, ये सरकार आप बोल रहे हैं, मतलब सरकार बोल रही है, आप कह रहे हैं उनके साथ गलत हो रहा है, ईमानदार अफसर है उनको फंसाया जा रहा है, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, तो सरकार कुछ करे। लेकिन क्रांति आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप जैसा कह रही है, बीजेपी जैसा कह रही है कि नवाब मलिक के दामाद को गिरफ्तार करने की सजा भुगत रहे हैं इसलिए निशाने पर आपके पति है, और भी कुछ रीजन है? या आपको लगता है यही रीजन है कि अभी ही क्यों, टाइमिंग अभी क्यों, और समीर ही क्यों, कुछ और भी रीजन है, या सिर्फ दामाद को गिरफ्तार किया 8 महीने जेल में रखा इस वजह से? इंटरव्यूज में से भी साफ कह दिया था कि मैं तो इस इंसान को नौकरी से निकालने ही वाला हूँ। वो जो पूरी गुंडागर्दी की जो बातें हैं कि इसकी कुर्सी तो मैं छीन के रखूंगा, इसको मैं जेल भेजूंगा, ये उन्होंने तब नहीं किया जब उनके दामाद जी अंदर थे। उन्होंने वेट किया, उसके बाद उन्होंने लोगों को ब्रेन वॉश करने की शुरुआत किया। स्टार्टिंग से उन्होंने ये कहना चाहा पहले, क्योंकि सबको बताया ना ये मेडल से पुरस्कृत किए हुए अधिकारी है, इनको हमेशा अवार्ड्स मिले हैं, मेडल्स मिले हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके इंडिया को दिया है, तो ऐसे इंसान को इमीडिएटली कोई नहीं ना बिलीव करेगा कि ये करप्ट है या कुछ है। तो उन्होंने बेस बनाना शुरुआत किया, एक बेस बनाते गए वो। पहले उन्होंने कहा कि हाँ ये मालदीव्स गए थे, फिर दुबई गए थे, उधर से उन्होंने पैसा रोकड़ा जमा करने की कोशिश की ताकि जब वो एक्सटॉर्शन का इल्जाम लगाए तो लोग उनके ऊपर इजिली बिलीव करे। बट लेट मी टेल यू, लोग जिनके सामने हम हर दिन आके प्रूफ्स रखते हैं, धीरे 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 उनकी नवाब जी की सारी चालें काम नहीं कर रही है, क्योंकि हर जगह पे समीर वानखेड़े लीगल प्रूफ्स के साथ बात करें, उनकी पूरी फैमिली लीगल प्रूफ्स के साथ बात करके जनता के सामने प्रूफ्स रख रही है, और हर एक मोड़ पे नवाब जी को गलत ठहराया जा रहा है। हम रोज सुबह उठते हैं तो एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कभी बेनामी चिट्ठी होती है, कभी निकाहनामा होता है, कभी जाति प्रमाण पत्र होता है, कभी दाढ़ी वाला होता है, कभी जेल भेज दूंगा होता है, कभी 25 करोड़ का 18 करोड़ 8 करोड़ होता है, कभी कोई गवाह हॉस्टाइल हो जाता है, कभी कोई गवाह आरोप लगाता है। मैं फिर से वही सवाल कि बार बार जहन में आता होगा, भी गलत केस ले लिया हाथ में, बड़े लोग हैं, लड़ाई बड़ी है, कड़ी है, मंत्री के बेटे को पकड़ा, और बॉलीवुड में ड्रग्स, शाहरुख खान लड़का ही समर्थम, मतलब आता है कि गलत केस ले लिया हाथ में, क्योंकि आज शायद आपके पति से भी पूछताछ हुई है 4 घंटे, अगर मैं गलत नहीं हूं, 4 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई है, जो जांच कर रहा है वही जांच अधिकारी की जांच हो रही है, अब ये उल्टा हो गया यहां पर, तो कभी लगता है कि गलत केस ले लिया? नहीं, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये केस जो नवाब जी कर रहे हैं उसका इस केस से कोई लेना देना है या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन ये ऑब्वियसली उनके जो सन इन लॉ के साथ हुआ है उसका ये बदला ले रहे हैं। अच्छा, वो सबको बोलते फिरते हैं कि वो बेगुना है, लेकिन कोर्ट ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि वो बेगुना है, उनकी केस अभी भी चल रही है, वो बेल पे बाहर है,
तो वो सब जुडिस मैटर को पब्लिक में आके सीधा कैसे क्लियर कर देते हैं? एंड द सेम टाइम अगर उनका ये उन्होंने एक शपथ ली थी जब वो मंत्री बने थे कि मैं किसी का भी पर्सनल लाइफ बाहर नहीं लाऊंगा, और आज पूरा पर्सनल लाइफ बाहर लाने के बाद वो बोलते हैं मैंने कहाँ कुछ कहा, मैंने कहाँ कुछ रिलीजन का किया, मैंने कहाँ कुछ उनको रिलीजन के बारे में बोला, मैंने कहाँ कोई पर्सनल लाइफ बाहर निकाली. आपको इतनी भी मतलब ये नहीं है, शर्म नहीं है कि आप ये सब करने के बाद बोलते हैं मैंने कहाँ किया? और जहां तक आपने पूछा कि एक अधिकारी की जांच हो रही है, मुझे इस बात का गर्व है कि समीर जी ने रिक्वेस्ट भी की थी इस जांच के लिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, उनके ऊपर कभी कोई दाग नहीं लगा, कोई कलंक नहीं लगा. तो मैं चाहती हूँ कि इस जांच से सब कुछ साफ हो जाए और समीर एक हीरे की तरह क्रांति की एक एग्जांपल सेट करने की कोशिश हो रही है. देखो क्या हाल किया था, ये होगा कोई अगर हाथ डालने की कोशिश करेगा मंत्री के बेटे या बॉलीवुड ऐसी चीजें. एक एग्जांपल सेट करने की कोशिश हो रही है, मैसेज देने की कोशिश कि हिम्मत मत करिएगा आज के बाद, कोई भी अधिकारी क्यों ना हो. जी हाँ. और ये ओपनली किया, ऐसा भी नहीं कि छुपम छुपाई चल रही, नहीं, ये ओपनली हो रहा है, ये अन्याय ओपनली वो कर रहे हैं, लोगों के सामने कर रहे हैं, और सब लोग जो सिस्टम में है वो बैठ के इस चीज का तमाशा देख रहे हैं. कौन कौन लोग हैं वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, कि जो चाहते हैं कि समीर वानखेड़े उस कुर्सी से हट जाए, जिनके ड्रग्स में इन्वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिनके पेट पे लात आ रही है समीर वानखेड़े उस सीट पे है. तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये एक एग्जांपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के बाद अगर हम रिच एंड पावरफुल लोगों के साथ किसी ने पंगा लिया तो उसका हशल भी यही होगा. और ये एक आखिरी सवाल क्रांति आपसे, एक और आज निकाहनामा सामने आ गया है, आपके पति मुस्लिम है, जी नहीं, समीर ने कभी भी अपने रिलीजन को कन्वर्ट नहीं किया, मियर एक निकाहनामा पे साइन करके वो कन्वर्ट नहीं हो जाते. आप कोई भी लॉयर से पूछ सकते हैं ये बात, आप कोई भी लीगल टीम को जांच सकते हैं ये बात. जब तक वो अपने आप को ऑफिशियली कन्वर्ट नहीं करते हिंदू से मुस्लिम, तब तक इंडियन जुडिशरी सिस्टम के हिसाब से वो हिंदू ही हैं और उनकी जो कास्ट है वो महार है. सेकेंडली, उन्होंने अपनी ये जो निकाह किया वो अपने माता जी के खुशी के लिए किया, उसके ऊपर साइन की, उस डॉक्यूमेंट का उनके लिए कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो हिंदू थे इसलिए उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर वो शादी को रजिस्टर किया, क्योंकि उनको पता था उनकी और उनकी एक्स वाइफ के रिलीजन अलग थे, और उनकी खुशी के लिए भी और माता जी की खुशी के लिए भी निकाह किया, लेकिन उसके साथ स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर उन्होंने निकाह रजिस्टर, ये जो शादी है वो रजिस्टर भी की, और उसके बाद डिवोर्स भी जो हुआ वो उसी एक्ट के अंडर हुआ. ठीक है, शुक्रिया क्रांति. मेरे साथ रामदास अठावले हैं, बस एक दो सवाल रामदास जी मैं आपसे लूंगा, फिर मेरे साथ मैं आपको पैनल बता देता हूँ. एनसीपी के प्रवक्ता है महेश तपासे जी, वो मेरे साथ हैं. शिवसेना से शैलेश पांडे हैं. उज्ज्वल निकम भी आज मेरे साथ हैं. उज्ज्वल जी स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में. हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, सीनियर लीडर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी माफ करिएगा, और राम कदम बीजेपी के प्रवक्ता. आप सबका स्वागत, लेकिन शुक्रिया आपका क्रांति. लेकिन रामदास अठावले जी वो तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो दलित हैं, आज जो एक निकाहनामा आ गया उसमें बताया जा रहा है कि वो तो मुस्लिम है, समीर वानखेड़े तो मुसलमान है, ये कह रहे हैं नवाब मलिक. मुझे लगता है कि नहीं, नवाब मलिक मुस्लिम है ये बात सही है, लेकिन समीर वानखेड़े मुस्लिम कैसे हो सकते है? नहीं नहीं, नवाब मलिक कह रहे तो नवाब मलिक मुस्लिम है, लेकिन समीर वानखेड़े कैसे मुस्लिम हो सकते है? उनका नाम समीर वानखेड़े है और दलित समाज से है, वो कैसा मतलब मुस्लिम हो सकते हैं? ये आरोप बेबुनियाद है और समीर वानखेड़े को बदनाम करने का ये आरोप है. तो आपको भी लगता है कि दामाद जी की गिरफ्तारी का बदला लिया जा रहा है? शांति है, वो सुन रही है आपको. मैं यही कह रहा हूँ कि उनके दामाद को 8 महीने तक अंदर रखा था और ठोस पुरावे प्रूफ मतलब समीर वानखेड़े के पास थे, इसलिए कोर्ट ने उनको 8 महीने तक जमानत नहीं दी थी. तो उसका गुस्सा उतारने के लिए वो मतलब समीर वानखेड़े के पीछे पड़े हैं, लेकिन हम नवाब मलिक के पीछे पड़े गए तो उनको भागना मुश्किल हो जाएगा. तो हमारा क्या कहना ऐसा है कि नवाब मलिक जी ने ये धंधा छोड़ना चाहिए और समीर वानखेड़े को बदनाम नहीं करना चाहिए. आज के बाद कोई हिम्मत करेगा? जो समीर वानखेड़े के साथ हो रहा है आप कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, हम उनके पीछे पड़ेंगे, जो भी आप कह रहे हैं. एक मेरा तो सवाल यह है कि कोई ईमानदार अधिकारी या कोई अधिकारी ऐसे हिम्मत करेगा दोबारा अगर ऐसे उसके साथ होगा, ड्रग रूट की जांच करने की, ऐसा कुछ?
हाँ बराबर है, जो अधिकारी अगर इतना रिस्क लेकर वहाँ मतलब वो इतनी कार्रवाई करता है, वहाँ जाकर उनको अरेस्ट करता है, इतना रिस्क ले लेता है, तो ऐसे अधिकारी को बदनाम करने की कोशिश होगी तो कोई भी अधिकारी मतलब किसको पकड़ेगा नहीं। तो एनसीबी ने जो काम किया है वो सही काम किया है, समीर वानखेड़े जी ने जो काम किया वो सही है, ड्रग इंडस्ट्री ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री बदनाम की है, सुशांत सिंह राजपूत का जो मृत्यु है ये भी मतलब ड्रग के कारण हुआ और उसके बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री उसमें पूरी डूब चुकी है, इसीलिए एनसीबी ने एक कड़ी कार्रवाई करने का काम किया है। और समीर वानखेड़े एक साल पहले एनसीबी में आए हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसीलिए उनको संरक्षण मिलना चाहिए और उनके ऊपर इसी तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया आपका, शुक्रिया रामदास अठावले जी, शुक्रिया। आप कह रहे हैं गलत हो रहा है, आप उनके साथ है, आप मतलब सरकार उनके साथ है, देखते हैं आगे क्या होता है। जांच हो रही है, जांच अधिकारी की जांच हो रही है, मैसेज किया जा रहा है, ये दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रामदास अठावले। डिबेट की तरफ लौटेंगे। आपको बता दें मेरे साथ उज्ज्वल निकम जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उज्ज्वल निकम जी आपका स्वागत है। महेश तपासे हैं राम कदम बीजेपी से मेरे साथ हैं और महेश तपासे एनसीपी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले महेश जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि भाई दामाद जी का बदला ले रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि दामाद जी की गिरफ्तारी कर दी थी इस वजह से समीर वानखेड़े, अच्छा उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। राम कदम, एनसीपी कह रही है नवाब मलिक की समीर वानखेड़े का फर्जीवाड़ा खोल रहे हैं, तो पूरी बीजेपी क्यों छटपटा रही है भाई? राम कदम, दुर्भाग्य ऐसा है कि अमन जी आप तो बहुत ही ज्येष्ठ पत्रकार हैं, किसी साहसी अफसर का जात धर्म उसकी बीवी ये महत्वपूर्ण है, उसका जात धर्म या उसका कर्म महत्वपूर्ण है? वो ड्रग माफिया के विरोध में उन्होंने साहस के साथ जो लड़ाई का आरंभ किया है, सारे देश के नौजवान जो ड्रग की आदत से दूर रहे, ड्रग पूरी तरह से निष्नाबूत हो जाए इसके लिए वे प्रयास कर रहे हैं, वह छोड़कर महाराष्ट्र सरकार के ये मंत्री और ये तीनों दल ड्रग माफिया को बचाने का दुस्साहस कर रहे हैं। अब क्या कारण हो सकता है? दो ही कारण हो सकते हैं अमन जी। एक पहला कारण ये कि कहीं ना कहीं खुद को ठेस पहुंची है, दामाद को उन्होंने गिरफ्तार किया था, 8-9 महीने जेल के सलाखों के पीछे रखा था, तो ये दर्द उनकी बातों से और पत्रकार वार्ता से छिलकता है। ठीक है, दामाद जी का दर्द है। महेश तपासे एनसीपी से जुड़ गए, मैं जवाब ले लेता हूँ। राम कदम, आप कह रहे दामाद जी का दर्द है, ये दामाद जी की गिरफ्तारी का दर्द है जो नवाब मलिक इस तरह से समीर वानखेड़े को लेकर निकाल रहे हैं। बताइए भाई, हर्षवर्धन जी भी नजर आ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट, आपका स्वागत है, बोलिए भाई। महेश जी, दामाद जी की गिरफ्तारी का दर्द है? आवाज नहीं आ पा रही है। शैलेश पांडे आपको नजर आ रहे हैं मेरे ख्याल से, शिवसेना के जो नेता हैं। शैलेश जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये दामाद जी का दर्द है, आपकी सरकार में मंत्री देखिए क्या कर रहे हैं, उनके दामाद जी को पकड़ा, लड़ाई ड्रग्स की थी, वो पर्सनल वेंडेटा निजी खुन्नस निकाल रहे हैं। जी अमन जी बिल्कुल नहीं, ये पर्सनल वेंडेटा नहीं है, ये देश हित का विषय है। और ये देखिए इस केस में दो पहलू हैं। अभी तक डिबेट में जो आप चर्चा कर रहे थे, या आठवले जी मंत्री महोदय बात कर रहे थे, या उनकी पत्नी जो बात कर रही थी, ये पर्सनल विषय था ये। लेकिन दूसरा जो मुख्य पहलू है वो भी उतना इम्पोर्टेंट है कि आज जिस तरह से प्रभाकर शैल ने जो आरोप एनसीबी पे लगाया, एनसीबी अधिकारी पे लगाया है कि वहां पे 25 करोड़ रुपए की मांग की गई जिसमें से 8 करोड़ वानखेड़े जी को मिलना था, तो ये कहीं ना कहीं आज नहीं लगाया, ये पुरानी बात हो गई है, 4 दिन पहले लगाया था। आप जागे हैं, ये 4 दिन पहले लगाया था और उन्होंने बोला ओवर, मतलब ये उड़ते उड़ते सुना था उन्होंने, आपको पता है ओवरहर्ड, उड़ते उड़ते सुना था उन्होंने, आपको पता भी है पूरी कहानी, 4 दिन पहले का आरोप है, आप अभी जागे हैं पता नहीं मेरे को, लेकिन उन्होंने ओवरहर्ड बोला था, आपको पता है ओवरहर्ड होता है मतलब उड़ते उड़ते सुना उन्होंने कि 18 करोड़ की डील हुई, 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देने हैं, 8 करोड़ उसमें से 8 देने हैं, पता है ना आपको ये? अमन जी सबसे पहले इसके तथ्य में जाना चाहिए, इसके मूल में जाना चाहिए। जब एनसीबी ने वहां पे लोगों को गिरफ्तारियां की तो दो लोगों को छोड़ा, दो वो कौन थे उन पे भी ये डाउट है, भाजपा के कार्यकर्ता थे, जहां वो पार्टी चल रही थी वो पार्टी के आयोजक कौन थे, क्या वो भाजपा से जुड़े हुए जी? ये क्या, ये बेनामी चिट्ठी, निकाहनामा, जाति प्रमाण पत्र, दाढ़ी वाला, ये सब क्या है रोज क्यों? मेरे को तो लग रहा है नवाब मलिक जो है
ये कौशल मंत्री है मेरे ख्याल से, वो समीर वानखेड़े मंत्री बन गए हैं। सुबह 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 उनकी होती है समीर वानखेड़े से, रात उनकी होती है समीर वानखेड़े से। आप उन पर बात करिए ना, ये क्या, ये जाति प्रमाण पत्र, निकाहनामा, बेनामी चिट्ठी, दाढ़ी वाला 25 करोड़ जेल भेज दूंगा, वो ऐसा लग रहा है वो निजी पर्सनल वेंडेटा चल रहा है उनका। ड्रग्स की तो बात ही नहीं हो रही अब, वो ऐसा लग रहा है कि समीर वानखेड़े को जांच से हटाओ। कहीं धन उगाही की बात हो रही है तो ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ये तो देशद्रोह है, आखिर में ये तो देश के खिलाफ की बात है। आज अगर हमारे अधिकारी, जिन पर हमको देश को नाज होना चाहिए, अगर वो इस तरह की गतिविधियां में संलिप्त होते हैं या संलिप्त, आपको पता दमाजी कितने महीने जेल में रहे थे, होनी चाहिए। चले जी, पारदर्शक शैलेश जी, दमाजी नवाब मलिक के दमाजी कितने महीने जेल में रहे थे पता आपको? सरकार करेगी सवाल का जवाब। कितने महीने जेल में रहे थे कितने महीने दमाजी कितने महीने जेल में रहे थे? अरे एनसीबी कितने महीने जेल में रहे थे, सवाल का जवाब दीजिए ना, कितने महीने जेल में रहे थे दमाजी पता है आपको? फिर आपको समझ आ जाएगा कि उनके साथ क्यों हो रहा है ऐसा। कितने महीने जेल में रहे थे दमाजी? देश मूल मुद्दे पे आइए, मैं मूल पर आ रहा हूँ, मुझे पता है क्या मूल है। मैं पूछ रहा हूँ दमाजी कितने महीने जेल में रहे थे भाई? भाई आपकी सरकार के मंत्री, आपको दमाजी की चिंता नहीं है? शैली जी सुनिए ना मेरी बात, आराम से। आपको पता है दमाजी कितने महीने जेल में रहे थे? शैली जी, नागरिक हूँ, मुझे मेरे देश की परवाह है, मैं महाराष्ट्र का नागरिक हूँ, मुझे मेरे महाराष्ट्र का परवाह है, मैं मुंबई का नागरिक हूँ, मुझे मुंबई की दमाजी की परवाह नहीं है। सोच कर बोलिएगा, दमाजी की परवाह नहीं है? 2000 मैं बताऊ 20,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया गुजरात में, तब उस पे तो शैलेश पांडे, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। शैलेश पांडे मेरी बात सुनिए शैलेश पांडे जी। अच्छा महेश तपासी जी, अब जो महेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अमन जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। नमस्कार, स्वागत है महेश जी, देश नहीं झुकने देंगे शो न्यूज 18 आपका स्वागत है। बीजेपी कह रही है कि दमाद जी की गिरफ्तारी का दर्द है ये जो नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर निकाल रहे हैं, बीजेपी कह रही है। अमन जी सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। बीजेपी पार्टी कह रही है कि ये दामाद का दर्द है, पूरी तरह से गलत है। मुझे लगता है कि उन्होंने जनवरी महीने में जब नवाब मलिक जी का स्टेटमेंट सुनना चाहिए, उसमें उन्होंने कहा कि इस देश के संविधान और देश के कानून के ऊपर कोई नहीं है, चाहे नेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, या किसी मंत्री का दामाद हो, जो कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए वो होकर रहेगी और इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। आज 6-8 महीने के बाद लगभग उनके दामाद को बेल मिली और आज भारतीय जनता पार्टी से एक प्रयत्न किया जा रहा है कि जो प्रश्न, जो मूलभूत प्रश्न एक नागरिक की हैसियत से, एक प्रवक्ता की हैसियत से, जो नवाब मलिक जी ने एनसीबी के कारनामों के ऊपर, मतलब जो विटनेस के संदर्भ में, मैं उनकी जो रेड हुई उसके बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार के विटनेस खड़े किए गए, जो विटनेस बाद में खुद मुकर गए, 3 विटनेस जब जो मनीष भानुशाली भारतीय जनता पार्टी के निकले वो गायब हैं, दूसरे केपी गोस्वामी उनको पुलिस ढूंढ रही, वो गिरफ्तारी यूपी में देने वाले थे, आज पता नहीं, और तीसरा विटनेस प्रभाकर सेल जिसने खुद एक एफिडेविट दिया है उसमें कहा है कि मैं तो विटनेस नंबर 2 का नौकर हूं, उनका पर्सनल बॉडीगार्ड हूं। इस प्रकार की जब बातें सामने आई तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं संशय की सुई निर्माण होती है और वो संशय किस पे जाएगा, स्वाभाविक रूप से जो वरिष्ठ। सही बात है बिल्कुल। महेश जी आपका सिग्नल चला गया मेरे सवाल से पहले ही, मैं आपसे सवाल पूछने वाला था, आपका सिग्नल चला गया क्योंकि आपको संशय हो रहा है। तो आपको इस पर संशय नहीं हुआ कि 22 तारीख को मंत्री जी धमकी देते हैं और 24 तारीख को तमाम खुलासों से लेकर सब कुछ हो जाते हैं, आपको इस पर नहीं संशय हुआ कि जो मंत्री जिसके पीछे पड़े हैं उसी ने मंत्री जी के दामाद को अंदर किया था 8 महीने के लिए? अब किसी मंत्री के, ताकतवर मंत्री के बेटे को 8 महीने के लिए दामाद को अंदर कर दोगे तो वार्ती तो उतारेगा नहीं, हर्षवर्धन जी? देखिए अमन जी, सबसे पहली बात तो ये कि अच्छा हो कि अगर बातचीत ये हो कि इस केस में क्या समीर वानखेड़े ने जो उनकी ड्यूटी थी वो काम किया या फिर कोई वो वेंडेटा चला रहे थे, और अगर वो जो एक कहें कि नवाब मलिक ने एक चिट्ठी पेश की है, एक देशभक्त जो अपना नाम भी नहीं सामने लाना चाहता, तो उनकी चिट्ठी में जो लिखा गया है उसमें अमित शाह और राकेश अस्थाना तक को घसीट लिया गया है, यानी इस सरकार तक पर आरोप लगा दिया गया है। अब 2011 से 2013 के दौरान शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, मिनीषा लांबा, मीका सिंह, इन सबको कस्टम की ड्यूटी करते हुए पकड़ा समीर वानखेड़े ने और बाकायदा जुर्माना भरवाया
1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए जो ये लोग अपने बैग लेकर आ रहे थे, हीरे नहीं बता रहे थे कि हम लेके आ जा रहे हैं। सवाल ये है कि समीर वानखेड़े का ट्रैक रिकॉर्ड अधिकारी के तौर पर क्या है, तो उसका जवाब आता है कि समीर वानखेड़े जब जहां जिस जिम्मेदारी में रहे अपना काम करते रहे, और आज भी जो पूरे आरोप लग रहे हैं वो आरोप ये लग रहा है कि भाई तुमने पहले एक मुस्लिम से शादी क्यों कर ली थी, तुम्हारी माताजी मुसलमान क्यों थी, हिंदुस्तान जैसे देश में जहां इंदिरा जी ने सेकुलरिज्म घुसाया था, तो ये क्या पूरा फर्जी सेकुलर जो है उनका चेहरा सामने आ रहा है क्या? और जिस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं शर्मनाक है। यानी ये नहीं चाहते हैं कि इस देश में कोई हिंदू मुसलमान शादी करे, ये नहीं चाहते हैं कि इस देश में कोई जिसको सेकुलरिज्म कहा जाता है उसकी कोई चर्चा भी करे। यानी लोग डरे हुए रहे। मुझे तो लगता है ये पूरी की पूरी जो डिबेट है ये नवाब मलिक के साथ साथ पूरा जो महाराष्ट्र का तंत्र चल रहा है उसको निर्वस्त्र कर देता। आपको लगता है बदला लिया जा रहा है, बदले की कार्रवाई है? नहीं, इसमें अब कोई संदेह नहीं रहेगा। वो तो खुद कह रहे हैं कि हमारे दामाद को पकड़ लिया तो हम ये करेंगे। अब इसमें कुछ छिपा हुआ नहीं, हम आप नहीं कह रहे हैं, ये तो नवाब मलिक कह रहे हैं कि हमारे दामाद को पकड़ लिया था बिना वजह, आर्यन खान को पकड़ लिया बिना वजह। अब चूंकि उनकी ताकत इतनी थी, वो जानते हैं बड़ी छोटी पार्टी है एनसीपी, सिर्फ पश्चिमी महाराष्ट्र की पार्टी है, तो उनको शाहरुख खान चाहिए था कि अच्छा ठीक है पीछे देश भर में एक कुछ लोग खड़े हो जाए, तो शायद इस तरह की राजनीति अब लोग करने लगे। शैलेश जी सुना आपने, हम तो आप लोग तो ड्रग्स से लड़ने चले थे, ये तो नवाब मलिक पर्सनल लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। देखिए अमन जी, मैंने पहले ही कहा कि इस विषय में, इस केस में दो पहलू हैं। एक पहलू है कि जो मूल केस है, और दूसरा पहलू है कि तो आपके पहलू नहीं समझ आ रहे मेरे को, कौन कौन से पहलू है समझा दीजिए। सर देखिए, पहला पहलू यह है कि जिस तरीके से वो कार्रवाई की गई, कार्रवाई में दो लोगों को छोड़ा गया, जहां पर पार्टी हो रही थी जो लोग जवाबदार थे उनको छोड़ा गया, तो क्यों छोड़ा गया, वो गलत हुआ। दूसरी चीज आप एनसीपी में हैं, आप एनसीपी में हैं, शिवसेना में, आपको कैसे पता क्या किया एनसीपी ने, वहां जाया, छोड़ा, पकड़ा, किसको क्या किया? कहीं ना कहीं गलत है, तो फिर उसके बैकग्राउंड में भी आदमी झांकता है, देखता है उसके सर्टिफिकेट क्या है। अगर उसके सर्टिफिकेट सही है तो वानखेड़े जी को सामने आके बताना चाहिए। अच्छा, मतलब ये आप मान रहे हैं कि ये कार्रवाई की वजह से गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, उनके बैकग्राउंड में देखा जा रहा है। चलिए, ये ईमानदार है, आप बहुत ईमानदार आदमी है भाई, आप ये आप मान रहे हैं कि चूंकि वो कार्रवाई हुई, उन्होंने वो रेड करी, उन्होंने वो सब किया, इस वजह से अब उनके गड़े मुर्दे उखाड़े, ये आप ईमानदार हैं, बहुत ईमानदारी से वो मान रहे हैं। ये पहलू मैं समझा कम से कम, दूसरा पहलू समझाइए आप। उनके द्वारा की गई कार्रवाई बदले की भावना से और केंद्र के सहयोग से की गई है। ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए, मुंबई बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए की जा रहा है। इसलिए अच्छा, ड्रग्स से बॉलीवुड बदनाम नहीं होता, कार्रवाई से होता है ना अमन जी। व्यक्ति का चरित्र व्यवहार ये भी बहुत निर्णायक होता है किसी भी व्यक्तित्व के। प्रभु है चरित्र हनन जो अभी कर रहे हैं ना, कल को जांच में कुछ नहीं निकला तो क्या करेंगे उस चरित्र हनन का? आप माफी मांगेंगे? आप वो निकाहनामा, उनकी मां मुस्लिम, उन्होंने मुस्लिम बन के शादी की, इसका ड्रग्स केस से क्या लेना देना भाई, क्या लेना देना है? वो अगर मुस्लिम है तो वो जांच अच्छे से नहीं कर सकते क्या? वो मुस्लिम बन के शादी करी उन्होंने तो वो गुनहगार हो गए, वो अब जांच नहीं कर सकते हैं? पर्सनल प्रोफेशनल महेश, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, ये सवाल का जवाब अगर आप दे दे। जी मैं देना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल महेश बोलिए। हाँ मैं देना चाहूंगा अमन जी, बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा और मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ। सवाल यहाँ पे ये है कि बैकवर्ड क्लास का आपने रिजर्वेशन लिया, हिंदुस्तान का संविधान क्या कहता है कि बैकवर्ड क्लास शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन जो है वो हिंदू, सिख और बुद्ध, ये तीन धर्मों तक ही है। क्रिश्चियन समाज में और इस्लाम में जो लोग गए या जिन्होंने रिलीजन को चेंज किया उनको नहीं मिलता, तो इस केस के साथ उसका कोई मसला नहीं। तो फिर ये अभी क्यों, ये अभी क्यों महेश भाई टाइमिंग सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ऐसा किसी का हक मारा गया, एक मिनट शैलेश जी को शांत करा लीजिए, आपके सहयोगी हैं, महेश जी आप बोल देंगे वो शांत हो जाएंगे। महेश मेरी बात सुनिए, महेश एक मिनट बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर हक मारा गया, अगर ऐसी चीज हुई तो गलत है, जांच हो, सजा हो, सारी चीजें, लेकिन मैं टाइमिंग पर अभी क्यों, क्योंकि वो हाथ डाल रहे हैं बड़ी जगह, वो गिरफ्तार कर रहे हैं, वो तमाम, ये अभी क्यों टाइमिंग,
अभी सामने आया होगा, नवाब मलिक के पास अभी जानकारी, सालों साल नौकरी कर रहे हैं उनको पता नहीं, अब अचानक से सामने आ गया, ये दिव्य ज्ञान तब हुआ? समीर वानखेड़े, आप इतने भोले नहीं है महेश भाई, मेरे से बड़े वाले आप बड़े राजनेता हैं भाई, जानकारी आई तो उसका टाइमिंग मैं कैसे बताऊं आपको? आपको आपको हैरानगी होती है नहीं होती है कि अभी से सारे एकदम से सारे जाति प्रमाण पत्र से लेकर निकाह नामा से लेकर सब अचानक आ गया? देखिए अमन जी, आप एक बहुत अच्छे एंकर हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि रिलीजन एक पर्सनल एंड प्राइवेट अफेयर है। विषय क्या नवाब मलिक ने उठाया कि आप शेड्यूल कास्ट में होते हुए जब किसी और धर्म के अंदर परिवर्तित करते हैं तो एज अ शेड्यूल कास्ट जो आपके राइट्स एंड प्रिविलेजेस है दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट, दे सीज टू एग्जिस्ट। एंड कहां परिवर्तित हुए? This is as per the Constitution of India, of India. कहां परिवर्तित हुए? उन्होंने धर्म परिवर्तन कहां किया? ये कहां साबित हुआ है? जो बयान दिया है, जो काजी जी ने बयान दिया है, जो एक निकाह नामा वहां पे नवाब मलिक जी ने लाया, तो उस पे नवाब मलिक जी ने तो बोला कि अगर ये दावे झूठे हैं, मैंने किए हुए क्लेम्स अगर झूठे हैं तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लेता हूँ, आपको अधिकार है कि आप मेरे पे क्रिमिनल डिफेमेशन का। सही बात है, राम कदम जवाब दे देंगे, लेकिन महेश भाई इतने भोले आप भी नहीं है, इतने अनजान आप भी नहीं है। वो आदमी कार्रवाई कर रहा है ड्रग्स केस में और उसके सारे गड़े मुर्दे उखाड़ के अभी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कभी निकानामा, कभी ये, कभी वो, और मतलब उसका पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन चल रहा है, इसका लिंक तो है। राम कदम, आपको क्या लगता है वो उनका पर्सनल और प्रोफेशनल अलग अलग देख पा रहे हैं? राम कदम, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास, हर्षवर्धन जी। जी राम कदम बोल लेते हैं, फिर महेश जी आप बोलिएगा। राम कदम आप बोलिए। अमन जी, यहाँ पर जो महाराज सरकार की ओर से एनसीपी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, क्या वे इस सवाल का जवाब देने की हिम्मत कर? राम कदम जी आपका ऑडियो चला गया है, आई एम सो सॉरी, आपका ऑडियो चला गया, मैं दोबारा से कनेक्ट करूंगा। हर्षवर्धन आपको समझ में आ रहा है भाई, ये चीजें अभी पता लगी ना, दिव्य ज्ञान अभी प्राप्त हुआ कि उन्होंने ये सारे घोटाले कर रखे थे? अब से पहले पता नहीं था, सालों साल नौकरी, 15 साल पता नहीं कब से नौकरी कर रहे थे, कभी कुछ नहीं हुआ, अभी उन्होंने यहाँ कार्रवाई कर दी तो सारे गड़े मुर्दे उखाड़ दिए। हर्षवर्धन जी, उनको 13 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं नौकरी करते हुए और वो IRS ऑफिसर हैं, और इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि 6 साल वो UPA की सरकार के दौरान काम करते रहे, कस्टम्स में महत्वपूर्ण जगहों पर पोस्टिंग रही, और उन्होंने तब भी उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी और ये बाकायदा सामने रिकॉर्ड में दर्ज है। मैं एक मूल बात महेश जी से पूछना चाह रहा हूं कि महेश जी, क्या आप ये कह रहे हैं जो बात आपने कही, क्या ये नवाब मलिक जी को नहीं पता है कि इतने संवेदनशील मसले में निजी आरोप नहीं लगाना चाहिए था? क्या ये जो आपने कहा अभी कि निजी मसला अलग रखिए, जाति धर्म अलग रखिए, आप दोनों चीज एक साथ कैसे कर सकते हैं? आप ये भी कह रहे हैं कि देखिए हमारे दामाद को फंसा दिया, और तो और जो 26 लोगों का स्पेशल 26 फिल्मी अंदाज में जो चिट्ठी जारी की एक गुमनाम किसी आदमी की, उसमें भी आपने मुसलमान जाने, यानी जितने भी मामले दर्ज हुए, और जैसे ही आपको लगा कि नहीं इससे नहीं बात बन रही तो आप कह रहे हैं वो मुसलमान है, तो आप क्या इस देश में कोई मुसलमान होगा, क्या इस देश में कोई हिंदू किसी मुसलमान से शादी करेगा तो उसको कोई भी काम करने का हक है या नहीं है, इसका जवाब दीजिए आप। महेश जी, आप खुद ही दे दीजिए। फंडामेंटल राइट से नवाजती है, वो अधिकार आपको भी है, मुझे भी है, अमन जी को भी है, राम कदम जी को भी, और हमारे मित्र पांडे जी को भी है। कोई भी व्यक्ति हो किसी भी फेथ का, उसको पूरा अधिकार भारत की संविधान देती है। प्रश्न यहाँ कौन सी फेथ से कौन जुड़ा वो नहीं है। अगर आदमी शेड्यूल कास्ट है और आदमी ने किसी कारणवश धर्म परिवर्तित किया तो शेड्यूल कास्ट में मिलने वाले अधिकार जो हैं, उनको जो राइट्स एंड प्रिविलेज है, वो सीज हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं, बस इतनी बात है, बाकी कुछ बात नहीं है। महेश जी, तो क्या आप ये कह रहे हैं, अगर आप इजाजत दें मैं काउंटर आपसे पूछना चाह रहा हूँ, महेश जी, तो आप ये कह रहे हैं कि अब वो ड्रग्स की जांच करने लायक नहीं है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। रेड जो हुई वो नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के माध्यम से हुई, नारकोटिक्स कंट्रोल, उसका और इस खुलासे में कोई लेना देना नहीं है। सुनिए मेरी बात, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इज अ वेरी प्रीमियर एंड अ वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री, इट इज ऑटोनोमस बॉडी और बहुत ही बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड नारकोटिक्स। महेश जी, महेश जी, उस रेड, उसका और दामाद जी, या फिर रेड का अभी जो खुलासे हो रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है? आप मुझे ये कह रहे हैं कोई लेना देना नहीं है?
अमन जी आप मेरे मित्र हैं, दामाद जी वाला विषय के ऊपर नवाब मलिक जी अपनी बयान रख चुके हैं। ठीक है चलिए मैं छोड़ दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ड्रग्स वाले कार्रवाई और निकाह नामा और एससी वाला जो बेनिफिट, उसका कोई आपस में लिंक नहीं है आप मुझे ये कह रहे हैं? देखिए सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं कि अगर आदमी शेड्यूल कास्ट का प्रिविलेज लेता है धर्म परिवर्तन, आप भारत राज्य उसका ड्रग्स केस से क्या लेना देना है आप समझ नहीं रहे हैं महेश जी। लेना देना ड्रग्स केस से लेना देना मतलब नहीं, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से गवर्नमेंट की सहूलियत लेता है और इलीगली अगर लेता है ऐसा नवाब मलिक के एलिगेशन में लिखा है तो उसके ऊपर छानबीन होनी चाहिए। इसका ड्रग्स केस से क्या लेना देना, ये अभी खुलासा क्यों हो रहा है उसको, उनको हटाने के लिए ड्रग्स जांच से? ड्रग्स केस अमन जी अपनी जगह है, उसपे तफ्तीश चालू है, उसपे कोर्ट चालू है, उसके ऊपर जो भी कानून प्रक्रिया वो चालू है उसके ऊपर मैं बहस। तो ये अभी क्यों हो रहा है खुलासे, इनको पकड़ा गया, खुलासे अभी क्यों हो रहे हैं महेश जी? ये अभी क्यों हो रहे, शायद नवाब मलिक जी के पास अभी को जानकारी आई होगी इसीलिए उतर रहे हैं। बड़े भोले महेश जी, आपको भी सब पता है पूरी कहानी, बड़े अनजान बन रहे हैं आप, मतलब 13 साल से 15 साल नौकरी कर रहे हैं, आइए सारे खुलासे अब अचानक से जैसे ही उन्होंने हाथ डाला नशे के कारोबार में सारे खुलासे आ गए सामने। अच्छा आप बोलना चाह रहे, बोल लीजिए आप, उज्जवल निकम भी जुड़ गए हैं, बोल लीजिए महेश जी आप बोल लीजिए। अगर किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन कंसील किया गया है तो वो भारतीय दंड संहिता के अंदर विशेष करके जो प्रावधान सरकारी अफसर के लिए, चाहे ग्राम पंचायत का सिपाही हो या देश का सबसे बड़ा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो या जो भी राजनेता हो, राजनेताओं को भी आपको पता है एफिडेविट देना पड़ता है, सारी चीजें बोलनी पड़ती है। महेश जी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूं, अगर ऐसी कोई गड़बड़ हुई है तो कार्रवाई हो, लेकिन अभी ये सारी गड़बड़े अचानक से जो खुल जाना, वो कार्रवाई कर रहे हैं ड्रग्स केस में, जांच कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं, और उन्होंने ही दामाद जी को गिरफ्तार किया, 22 तारीख को मंत्री जी धमकी देते हैं ये आदमी जेल जाएगा, 24 तारीख को सारे खुलासे हो जाते हैं, गवाह हॉस्टाइल हो जाते हैं, ये गवाह निकलकर 25 करोड़ 18 करोड़ 8 करोड़ की बात करता है, ये संयोग नहीं, मंत्री धमकी देता है खुलासे हो जाते हैं, केस से हटाने के लिए हो रहा है। उज्जवल निकम मेरे साथ जुड़ गए, मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं उज्जवल जी, ब्रेक के बाद आपसे शुरू करूंगा, छोटा सा ब्रेक उज्जवल जी। और आपको बता दें प्रशांत किशोर हैं, प्रशांत किशोर द्विवेदी, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि सवाल पूछा गया अभी संयोग क्या है, तो उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े के खिलाफ सारे सबूत तभी मिलना जब वो ड्रग माफिया के खिलाफ जांच कर रहे हो, ये संयोग है। एक अरविंद सिंह है, उन्होंने ट्वीट किया है कि महाराष्ट्र सरकार को हर किसी की पूरी जन्म कुंडली पता है पर अनिल देशमुख और परमवीर सिंह के बारे में कुछ नहीं पता है। समीर देशमुख की पूरी कुंडली पता है, जन्म कुंडली, लेकिन अनिल देशमुख का है पूर्व गृह मंत्री और परमवीर सिंह के बारे में कुछ नहीं पता। मेरे साथ उज्जवल निकम वरिष्ठ अधिवक्ता, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। उज्जवल जी बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 इंडिया में, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी आवाज आ रही है जी। उज्जवल निकम जी, ये जो चीजें हो रही हैं, मतलब आवाज आ रही है, ये आपको क्या बताती है? एक अधिकारी जो ईमानदारी से जांच कर रहा है, उसका निकाह नामा, उसकी शादी किससे हुई, उसकी उसकी मदर मुस्लिम, फादर मुस्लिम, वो मुस्लिम नहीं था, वो ये सारी चीजें जांच पर कितना असर डालती है और ऑफिसर के मोरल पर, क्या ऐसे जांच हो पाएगी निष्पक्षता से? अमन जी मैंने कई संगीन मामले अपने देश के चलाए हैं, लेकिन ये पहला ऐसा मामला मुझे देख रहा हूं कि जिसमें ना ओनली सिर्फ सियासत है लेकिन दोनों तरफ से पर्सनल अटैक शुरू हो गए। हाँ, अगर हमारा देश का संविधान जरूर हर कोई व्यक्ति को ये सहूलत देता है कि अपनी बात साफ तरह से रखे, फ्री रखे, आउट ऑफ फियर, लेकिन इसका मतलब नहीं कि किसी को भी फ्री लाइसेंस मिल गए। जब बड़ी गुनाह की जांच चल रही है इस वक्त में, उस जांच अधिकारी के खिलाफ कुछ बयानबाजी हो सकता है कि जांच अधिकारी की भी गलती होगी, जांच अधिकारी भी कुछ परवर्स माइंड होगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी को जांच या जांच अधिकारी के खिलाफ कोई शक है, कोई ग्रीवेंस है, तो क्या मीडिया ही दरिया है, क्या पब्लिक मीटिंग ही दरिया है? मुझे लगता है कि ऐसे मामले में जब जांच एक मौके पर चल रही है, एक बड़े टर्निंग पॉइंट पे है, उस वक्त जांच अधिकारी और जांच ये जरूर प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन ये भी कहना जरूर है कि जांच अधिकारी जब कोई सीरियस गलती करता है तो उसे उसका फल भुगतना पड़ता है, लेकिन उसके लिए वेज है, उसके लिए मार्ग है, अगर वो मार्ग चुक लेते थे तो मुझे लगता है कि इतना ये मामला नहीं बढ़ सकता था। आज क्या हो गया, आपने सही कहा है अमन जी, एक ड्रग्स से मामला शुरू हो गया, कास्ट पे आ गया, कभी फिर रिलीजन पे आ गया, मुझे नहीं लगता कि ये मामला कहां तक जाने वाला है।
और मुझे मैं उम्मीद करता हूं कानून का विरोध होने की हैसियत से कोर्ट ने भी इसे खुद रोक लगाना चाहिए इस बयानबाजी को। अगर बयानबाजी को रोक नहीं लगाई गई तो जांच अधिकारी और पॉलिटिक्स, इसमें जो झगड़ा हम आज देख रहे हैं, मैं किसी पक्ष की बाजू नहीं ले रहा हूं, लेकिन कानून का विद्यार्थी की हैसियत से जो भी हो रहा है वो बहुत दुख और मन को क्लेशदायक हो रहा है। उज्ज्वल निकम, मुझे याद है सुशांत सिंह के मामले में भी मेरी आपसे कई बार बात हुई, उस समय भी ऐसा ही देखा था, बिहार पुलिस के अधिकारी आए थे महाराष्ट्र, उनको किडनैप कर लिया, बंधक बना लिया था, सीबीआई को कोऑपरेट नहीं हो रहा था। अब ये वाला मामला आया है, इसमें भी जब एनसीबी जांच कर रही है तो एनसीबी के ऑफिसर पर पर्सनल एलिगेशन और तमाम चीजें हो रही हैं, तो फेडरल स्ट्रक्चर कहां देखते हैं आपकी, फिर जांच कैसे होगी, किसी और राज्य में घुसकर सेंट्रल एजेंसी जांच करेगी तो फिर कैसे होगी, और अब मतलब कोई अधिकारी तो जाएगा तो जांच तो होगी, उसके गड़े मुर्दे अगर उखाड़ दिए जाएंगे तो फिर जांच कैसे होगी, ये सुशांत मामले में भी हुआ और अब भी हो रहा है। नहीं अमन जी, आप ये सही कह रहे हैं कि जांच प्रभावित तो होती है, लेकिन कुछ जो सावधान की बरतना चाहिए थी वो बरतनी भी नहीं गई है जांच एजेंसी की तरफ से। मैं सिर्फ किसी पॉलिटिशियंस को गलत नहीं ठहराता, लेकिन जांच अधिकारी बड़े मामले की जब जांच करते हैं तो उनपे भी कुछ कानून जिम्मेदारी है। एक फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं, जब कोई अभियुक्त का बेल रिजेक्ट होता है तो सोशल मीडिया पे वो पर्सनल विक्ट्री है, ये मानना कहां सही है, सत्यमेव जयते करके आना, इसका लगता है कि तुम जांच से पर्सनल आइडेंटिफाइड, ये करना भी बहुत गलत है। मैंने देखिए 93 बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट की जांच के अधिकारियों को देखा है, कसाब में जांच करने वाले जांच को अधिकारी देखा है, लेकिन इस तरह से उन्होंने कभी बयानबाजी नहीं की, ना बयानबाजी हो रही। लेकिन इस मामले में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ये बयानबाजी चलती रही, जो पंच विटनेस आज मुकर गए हैं, वो पंच विटनेस भी कोई गवाहदार को, जो आरोपी को हाथ पकड़ के लेके आते, मुझे लगता है कि पब्लिक इस पे शक करेगी, पब्लिक को तो हक है, मीडिया भी इसमें सवाल कर सकती है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था जो जांच एजेंसी ने बहुत सावधानी से ऐसे मामले में सावधान की बरतनी चाहिए थी, जो बरतनी नहीं है। नहीं, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर की तो एक सीमा होगी ना भाई, मैं आपसे, क्योंकि यहाँ पर्सनल स्कोर सेट किए जा रहे हैं, मतलब ये आप समझ रहे हो उज्ज्वल निकम जी, ये इतना बड़ा संयोग, इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इस आदमी के खिलाफ तमाम वो मामले तब खुले जब वो ड्रग माफिया के खिलाफ जांच कर रहा था जी, मतलब ये इतना बड़ा इत्तेफाक, ये संयोग नहीं हो सकता ना। नहीं, ये पर्सनल कीचड़ उछलना भी बिल्कुल गलत है। अगर किसी को जांच अधिकारी के खिलाफ, जो जांच कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर कोई सीरियस ऑब्जेक्शन है, सीरियस ग्रीवेंस है, तो उसके अदालत में भी हम बजा सकते थे, अदालत में भी इसको रोक लगा सकती, भाई ये जांच निष्प्रभावित नहीं हो सकती है, वेस्टेड इंटरेस्ट से हो सकती है, और कोर्ट उसको रोक लगा दे सकती थी। मेरा यही कहना है कि इस तरह से खुलेआम आरोप करना क्या हमारा कानून को कमजोर नहीं बनाता है, और लोगों के मन में यही देखिए यही डाउट हो सकता है, इसलिए जस्टिस नॉट ओनली टू बी डन बट इट अपीयर्स टू हैव बीन डन। लेकिन और इसी वजह से कानून का एक जो बड़ा लंबा लड़ाई है, मैं ये समझता हूँ, मुझे ये सवाल आपसे पूछना है कि फिर कुछ ताकतें हैं जो चाहती हैं कि इसमें इंसाफ ना हो या सच सामने ना आए, ये मैं तो ऐसा नहीं कहूंगा, नहीं वरना ऐसा क्यों होता है, ये मेरा ओपिनियन इस पे देना होगा अमन जी। जी जी, लेकिन ये आजकल लीगल बैटल के बदले में पॉलिटिकल बैटल चल रही, और जांच अधिकारी और पॉलिटिकल लीडर्स इनकी मीटिंग होनी चाहिए ताकि इस प्रकार के आरोप से वो बच सकते हैं। नहीं तो फिर बस एक आखिरी सवाल, मुझे पता आपको जाना, बस एक आखिरी सवाल, ये हर बार हुआ है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुशांत मामले में हुआ, बिहार पुलिस जांच करने आई, पुलिस को बंधक बना लिया, सीबीआई आई, सीबीआई ने कोऑपरेट नहीं किया, बॉलीवुड में ड्रग्स की जांच पर जब जब बात होती है सेंट्रल एजेंसी आती है, कोऑपरेट छोड़िए, अधिकारियों को पकड़ के निपटा दिया जाता है जो जो चल रहा है जांच के नाम पर, तो फिर कोई कैसे होगा ये, कोई सेंट्रल एजेंसी स्टेट में जाकर, कोई फेडरल कोई सीमा तो होगी ना, कोई कानून तो इसमें कुछ होगा ना। उज्ज्वल जी आखिरी सवाल। नहीं, कानून है नहीं, ऐसा नहीं है, इसके लिए मैं तो कुछ मुफ्त में किसी को सलाह नहीं दूंगा, ना सेंट्रल एजेंसी को सलाह दूंगा, ना स्टेट एजेंसी को सलाह दूंगा, लेकिन इसमें कानून है, जैसे कलकत्ता में हुआ था, हमने देखा है कि कलकत्ता में भी ये प्रॉब्लम आया था, पुलिस कमिश्नर कलकत्ता में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, हमें सबको पता है। यस, इसके लिए मुझे लगता है कि बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए,
और अगर कोई पर्सनल कोई किसी का एजेंडा हो तो मुझे लगता है कि यह बहुत बुरा होता है। पर्सनल एजेंडा कहां लेने की जरूरत नहीं है। अब जांच अधिकारी की फैमिली मेंबर्स भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे, वो भी खुल के सामने आ रहे, तो इस प्रकार माहौल बिगड़ रहा है मुझे लगता है। तो इंटरवेंशन की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि कोई गवर्नमेंट इसमें इंटरवेंशन करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट स्टेट हो या सेंट्रल हो, अगर किसी गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया तो फिर सियासत की बात आ जाती। इसलिए मुझे लगता है कि कोर्ट इन्वेस्टिगेशन कंक्लूजन पर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, क्या यही चलता रहेगा? इन्वेस्टिगेशन कंक्लूजन पर पहुंचेगी कहना बहुत मुश्किल है अमन जी। जो आपकी चिंता है वो मेरी भी चिंता है। क्या कंक्लूजन क्या भटक जाएगी ये जांच, पता नहीं क्या हो सकता है। ठीक, देखते हैं क्या होता है अमन जी। चलिए शुक्रिया आपका उज्ज्वल निकम, और शैली जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शिवसेना से, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े। देश नहीं झुकने देंगे हमें अभी, इतना ही। और अब सौ बात के एक बार किशोर चौड़ी के साथ।